नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली दंगों पर आज देश की संसद में जबरदस्त बहस हुई। गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे थे, उन्होंने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने भड़काऊ बयानों के जरिए लोगों को उकसा रहा था। गृहमंत्री ने आंकड़े भी रखे और इन सब के साथ करारा जवाब दिया विपक्ष को। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एनटीसीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए, जिस हेट स्पीच का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को, दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है, ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच नहीं मान्यवर। उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 24 तारीख को दंगे होते, 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम है, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। मान्यवर 24 को दंगा होता है। मान्यवर, बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। 19 फरवरी को ये बयान आया, 24 को दंगे होते। मान्यवर, और मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। मान्यवर, एक भाषण, वो भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जांच करेगी, परंतु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है। 19 तारीख को 22 तारीख को होते हैं जिसके बाद दंगे हो जाते हैं, वो हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है। हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कॉम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करें, ये मेरा सबसे कहना है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जो बेकसूर है उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कसूरवार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी की ही तर्ज पर दिल्ली में भी जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनसे वसूला जाएगा सब कुछ। मान्यवर, मैंने कहा फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें बनाई हैं, 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है। मान्यवर, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल। अध्यक्ष महोदय,
ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली, मुझे भी भयंकर दुख है, वेदना भी है, किसी की काले पसीने की घाड़े पसीने की कमाई दंगों में जलकर राख हो जाए। मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख चुका है, लिख लिए हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकान जलाई है, जिन्होंने व्हीकल जलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां जलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए। ये पुलिस नहीं करने वाली है, हाईकोर्ट के जज ही करने वाले हैं। तो आपको आश्वस्ति के लिए मैं कह रहा हूं, हमने ऐसा ही पत्र लिखा है और आज रजिस्ट्रार ने पत्र दिल्ली के चीफ जस्टिस साहब के सामने मान्यवर दे दिया है। मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को विशेषकर और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने हैरानी भी जताई विपक्ष के सवाल पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूछता है कि कितने हिंदू कितने मुसलमान मरे हैं। उन्होंने कहा कि 52 हिंदुस्तानियों की जान गई है। दिल्ली पुलिस की पीठ भी थपथपाई और कहा कि उन्होंने जल्द से जल्द दंगे पर काबू पाया। मान्यवर 23 तारीख को 17 कंपनी दिल्ली पुलिस की, 13 कंपनी सीएपीएफ की, कुल 30 कंपनी एक क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थी। बाद में मैं आता हूं वातावरण क्यों ऐसा हुआ उस पर। 24 तारीख को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनियां भेजी, 25 तारीख को और 50 कंपनी भेजी और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनियां वहां पर तैनात है, आज तक तैनात है। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाए गए हैं, व्रज साधन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, वाटर कैनन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए ना उस मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, मेरी बात तो आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा। परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पूरे तेवर के साथ बोल रहे थे गृहमंत्री अमित शाह। इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया, विपक्ष लगातार ये पूछ रहा था कि आखिर देश की संसद में दिल्ली दंगे पर बहस करने से क्यों कतरा रही है सरकार। गृहमंत्री ने कहा होली करीब था, ऐसे में फिर से हिंसा न भड़के इसलिए इसे टाला जा रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले अधीर रंजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई। माननीय अध्यक्ष जी, 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई, ये रिकॉर्ड की बात है। 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को, 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है
जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता। और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे, यहां के भाषणों के कारण या तो मीडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को सब मैं इनके भाषण माने माने प्लीज प्लीज मैं अधीर रंजन जी को ये कहना चाहता हूँ, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता मैं, चर्चा क्यों। अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जिन इलाकों में ये हिंसा हुई थी दिल्ली में, वहां का इतिहास और भूगोल भी बताया। सुनिए, दंगे इतने जल्दी इतने कैसे फैल गए, ये बात सही है। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। दंगे क्यों फैल गए? मान्यवर, हमें पूर्वोत्तर दिल्ली जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा, इसकी भौगोलिक विषमता को भी समझना पड़ेगा। ये टोटल 61 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है, एकदम संकरी गलियां हैं जहां पर पुलिस की वैन, फायर ब्रिगेड, पुलिस का दुपहिया व्हीकल भी नहीं जा सकता, इस प्रकार की संकरी गलियां हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली में मिली जुली आबादी दोनों कम्युनिटी की उत्तर पूर्व में है, और यहां पर दंगों का पूरा पुराना इतिहास है। मान्यवर, आपराधिक तत्वों का भी वहां पर काफी समय से एक पुराना इतिहास रहा है, और ये यूपी की बॉर्डर से भी सटा हुआ क्षेत्र है। तो दंगे वाले पूरे इलाके का इतिहास, भूगोल, सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में बनाया, जमकर तेवर में बोल रहे थे। लंबी बहस दरअसल दिल्ली के दंगों पर आज देश की संसद में हुई है। कपिल मिश्रा को विपक्ष लगातार घेर रहा था, बीजेपी कपिल मिश्रा का बचाव कर रही थी। जब रोम जल रहे थे तो नीरो बांसी बजा रहे थे। 1194 दंगों में से कांग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए। होली के पहले जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में संग्राम छिड़ा था, होली के बाद आखिरकार चर्चा शुरू हुई तो भी संग्राम ही छिड़ा। दिल्ली में 3 दिनों तक हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन था, इस पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग हुई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने हिंसा उकसाने के लिए विपक्ष के आरोपों के घेरे में रहे कपिल मिश्रा का डंके की चोट पर बचाव किया। कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और उसको जिम्मेवार, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया शारजील इमाम की हरकतों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया ताहिर हुसैन की हरकतों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया अमानतुल्ला खान के बयानों के लिए, कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने कहा कब्र खुदेगी। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अमित शाह की भूमिका पर सवाल उठाए। अधीर रंजन ने सवाल किया कि जब दिल्ली जल रही थी तब गृह मंत्री कहाँ थे। जवाब में मीनाक्षी लेखी भी फेहरिस्त लेकर तैयार थी। मैं जानना चाहते हूँ गृह मंत्री से, 3 दिन जब दिल्ली में इस तरह की घटना घट रही थी, दंगा हो रही थी, तब आपकी सरकार और आप खुद क्या कर रहे थे? हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू होकर 25 तारीख
तारीख की 11 बजे रात तक खत्म हो चुकी है। ये इस सरकार की एफिशिएंसी है कि 36 घंटे के अंदर इन्होंने इस सब चीजों पर काबू पाया। जो लोग पूछते हैं पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाइलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे। हिंसा से पहले और हिंसा के बाद भी सियासत पुरजोर चली। संसद में चर्चा के दौरान भी यही तस्वीर दिखी। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे के दाग दिखाने में ज्यादा मसरूफ दिखे। 1194 दंगों में से कांग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए, जिसका टोटल परसेंटेज 73% आता है। 73% दंगों के जिम्मेवार लोग यहाँ बैठे हैं। चुनाव जब आते हैं गली गली जाते हो चुनाव में भीख मांगने के लिए, और जब खतरा पैदा होते हैं तब किसी को पास नहीं जाते। बाजा सब जानते हैं, पिछले चुनाव में जो जो इलाके में दंगा हुई है उस इलाके में बीजेपी की उतना अच्छा वोट नहीं मिला, बीजेपी की वोट नहीं मिला। बस इसके चलते कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप समझे, चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 7 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया। दिल्ली से पहले दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग के लिए हंगामे के चलते इन्हें पूरे सत्र से ही निलंबित कर दिया गया था। आज तक ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या से क्या हो गए महाराज देखते देखते, महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। फास्ट डायल पर जिनके नंबर रखते थे अब उन्हीं के पास से फुर हो गए हैं, पहुंच गए हैं बीजेपी में। और इस तरह बीजेपी में शामिल हो गए महाराज। नड्डा के हाथों भगवा अंगवस्त्र पहनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के रंग में रंग गए। और पीछे छूट गया 18 साल का वो साथ। संसद में राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारना, वो अक्सर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य का एक जैसे कपड़ों में नजर आना, सिंधिया पल में कैसे पराये हो गए, यकीनन कांग्रेस भी ये यकीन नहीं कर पा रही होगी। पाला बदलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या से क्या हो गए देखते देखते। भाई और बहनों, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, रसोई गैस का दाम घटना चाहिए, खाद का दाम घटना चाहिए या नहीं, 5 साल बाद क्या हुआ। जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। महाराज अब बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मौजूदा कांग्रेस में सब कुछ नामुमकिन है। बीजेपी नेता बनने के बाद ज्योतिरादित्य ने 17 मिनट का संबोधन किया और इन 17 मिनट में सिर्फ अपने मन की बात की। नई अभिभावक पार्टी में सब अच्छा दिख रहा है और कांग्रेस से मन दुखी है। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। बहुत पुरानी बात नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा कहा था, और आज मामा कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज एक साथ हैं। शिवराज सिंह जी क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों मैं आपका मामा हूं।
हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने मामाई के योगदान का क्या उल्लेख किया है? एक थे कंस मामा, एक थे शकुनी मामा, और कलयुग के जमाने में एक मामा वल्लभ भवन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस में अगर कोई लोकप्रिय था तो महाराज ही थे, तो इसलिए हम कहते थे माफ करो महाराज, दूसरे का तो कोई नाम ही नहीं था। हम महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस से बगावत और बीजेपी से दोस्ती का इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मिला कि उन्हें राज्यसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब मोदी अमित शाह के लिए सिंधिया की जुबान से फूल झड़ रहे हैं। जो कहते हैं स्वयं चौकीदार बनने के लिए आए हैं और जिनके चौकीदारी में देश का एक एक चोर देश के अंदर चोरी करके विदेश भाग गया, चाहे उनका नीरव भाई हुआ हो, मेहुल भाई हुआ हो, अंबानी हो या अडानी हो, सारे के सारे ने देश को खोखले करके बाहर भागने का काम इनकी चौकीदारी के समय में करके छोड़ दिया है। और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वो राहुल और प्रियंका का नंबर भी फास्ट डायल पर रखते थे, लेकिन सिंधिया का हृदय परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस में खामियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, क्या आपने, चूंकि आप वहां इतने सक्रिय हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए गए? ये भी कहा जा रहा है कि आपकी खास तौर से कुछ नाराजगी थी उनसे, उनकी बातें क्यों नहीं मानी गई? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो अध्यक्ष बने, मैंने दीपक बावरिया जी से खुद से कहा था, सोनिया जी से कहा था, इनको बना दीजिए, इनको एडजस्ट करके रखना चाहिए, इनका प्रभाव है। और साथ में हम लोगों ने खुद ने प्रपोज किया था इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। अब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इसका मैं क्या करूं? और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने नहीं बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं था, मेरी तरफ से कम कोई एतराज नहीं था। कब से नाराज चल रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जी हाँ, मैंने पता लगाने का प्रयास किया। पता ये लगा है कि जब ये चुनाव हारे लोकसभा का, तब से ये काफी निराश हो चुके थे। तो कोई इनके बीच के रिश्तेदार होंगे भाजपा में जिन्होंने कि मोदी जी से और अमित शाह जी से इनकी मुलाकात करवाई, चर्चा करवाई और इनसे कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार को आप गिराते हैं तो हम आपको पूरी तरीके से आपकी का सहयोग करेंगे और आपको हम लोग सम्मान भी देंगे और कैबिनेट भी यहाँ देंगे दिल्ली में केंद्र सरकार में। उसके बाद फिर जब ये बात कही गई मध्य प्रदेश के नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, तो मध्य प्रदेश के नेताओं ने इसका विरोध किया और विरोध करने कहा कि सरकार आपको गिरानी तो उनकी मदद काहे को लेते, हम ही गिरा देंगे। जब वो असफल हो गए इस प्रयास में, जब मैंने जो ऑपरेशन मनी बैग का जो कहा था वो सही निकला तो वो जब डिफ्यूज हो गया तो फिर उन्होंने बी प्लान बी बनाया और उसमें सिंधिया जी के माध्यम से उनके जो समर्थक विधायक थे उनके साथ उन्होंने उनको अलग ले गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एंगेज चार्टर्स थे, जेट्स थे, उनसे दिल्ली बुला के उनको बैंगलोर ले जाया गया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। कभी हम उम्मीद, सपने में मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि इतने वोकल क्रिटिक हैं अमित शाह के और मोदी जी के, अभी उनके आप वीडियो क्लिप्स देख लीजिए 15 दिन पहले पुराने, 20 दिन पुराने, जिन्होंने कड़ी आलोचना की है मोदी जी की, वो भाजपा में चले जाएंगे, कभी उनसे उम्मीद नहीं थी हमको। 18 साल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये फैसला लिया और इसी के साथ पूरा परिवार बीजेपी में
पहुंच गया, जैसे दादी का सपना पूरा हुआ हो। ये तमाम बातें परिवार की तरफ से कही जा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जैसे अपनी दादी की इच्छा पूरी कर दी। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी हुई है, क्योंकि उनकी दादी चाहती थी कि पूरा सिंधिया परिवार बीजेपी में रहे। As a घर वापसी, and I'm very happy today. And as I said, a government will be formed under my शिवराज सिंह जी चौहान नेतृत्व। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानों में माधव राव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और 18 साल तक कांग्रेस के साथ सियासत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का कमल थाम लिया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया। ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। सिर्फ 10 साल में ही उनका मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गई। विजय राजे सिंधिया की बदौलत ग्वालियर क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ और 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ वहां की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजय राजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और विजय राजे सिंधिया के बेटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया गुना से सांसद बने। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। माधवराव सिंधिया अपने माँ पिता के इकलौते बेटे थे। वो 4 बहनों के बीच अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। माधवराव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे, लेकिन वो बहुत दिन तक जनसंघ में नहीं रुके। 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी मां विजय राजे सिंधिया से अलग हो गए। 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर केंद्रीय मंत्री भी बने। उनका विमान हादसे में 2001 में निधन हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पुत्र हैं। 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। विजय राजे सिंधिया की बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की सीएम भी बन चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गई। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही हैं। आज तक ब्यूरो। पूरा का पूरा सिंधिया परिवार अब आ गया है भारतीय जनता पार्टी में। यहां तक कहा गया कि दादी का सपना पूरा हो रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत बीजेपी दफ्तर में भोपाल में किया जाएगा और वहीं पर पूरी तैयारी हो रही है स्वागत के लिए। इस बीच पार्टी छोड़ने पर सचिन पायलट का बयान आया है। सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर सचिन पायलट का बयान आया है। सचिन पायलट ने दरअसल ट्वीट करके कहा है, अनफॉर्चुनेट टू सी सिंधिया पार्टिंग वेज विद कांग्रेस। उन्होंने कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आई विश थिंग्स कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड कोलैबोरेटिवली विद इन द पार्टी। यानी वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं ये मानता हूं कि आपस में ही बातचीत करके पार्टी के अंदर ही इसका हल निकाला जाना चाहिए था। तो क्या ये अपने आप में एक संकेत है? बेहतर होता अगर मुद्दे को खुद ही सुलझा लिया जाता। और आई विश वो कह रहे हैं, यानी मैं ये मानता हूं, मैं ये चाहता कि पार्टी के अंदर ही जो भी आपस में मतभेद थे उनको कोलैबोरेटिवली यानी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता। तो सिंधिया साहब यहां दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो रहे थे, महाराज बीजेपी में पहुंच रहे थे और विधायकों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस अपने विधायकों की किलेबंदी में लगी रही, बीजेपी भी अपने वालों को छिपाती रही। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो मध्य प्रदेश में उथल पुथल मच गई है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने विधायकों को बटोर रहे हैं, सहेज रहे हैं, संभाल रहे हैं। कहीं कोई भटक ना जाए, कोई उनके पास फटक ना जाए। तो वो जो खेल खेलना चाह रहे हैं उस खेल के हम खिलाड़ी हैं। ये फ्लोर मैनेज करना चाह रहे हैं, कमलनाथ जी से अनुभवी नेता इनके पास नहीं है। ये अगर स्कूल के टीचर हैं तो वो प्रिंसिपल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग होली मिलन समारोह में जा रहे हैं। नहीं, बस होली मनाने जा रहे हैं सब साथ में। होली मनाने जा रहे हैं एक दिन बाद? अरे होली तो अभी पंचमी 13 तक चलती है। कहाँ पे ब्रज जा रहे हैं? ब्रज जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। बसें भर भर कर विधायकों को भोपाल से रवाना कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों का खेमा हरियाणा की हवा खा रहा है। विधायकों को मानेसर में रखा गया है तो कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में किलेबंदी की गई है। मध्य प्रदेश के विधायकों को लेकर एक देख सकते हैं कि बस यहां पर रिजॉर्ट में पहुंच चुकी है। ये ब्यूना विस्ता रिजॉर्ट है जहां पर पुलिस इन बसों को लेकर यहां पर आई है और देख सकते हैं सीधे ये बस रिजॉर्ट के अंदर जा रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति में रिसॉर्ट की अहमियत बढ़ गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधायकों को बचाने के लिए उसी होटल को चुना है जिसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों को रखा गया था। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरती दिख रही है। 9 मार्च से ही कांग्रेस के ज्योतिरादित्य समर्थक 19 विधायक कर्नाटक में हैं। कुल 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। बाकी कांग्रेसी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें जयपुर पहुंचा दिया है। कमलनाथ सरकार संकट में तो जरूर पहुंची है, लेकिन कमलनाथ के विकल्प अभी खत्म नहीं हुए क्योंकि ज्योतिरादित्य समर्थकों के इस्तीफे को लेकर अभी कई दांव पेच हो सकते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।